चलिए क्वेश्चन नंबर 122। बोन मैरो एस्पिरेशन, बोन मैरो एस्पिरेशन बच्चे अडल्ट में कहाँ से बोन मैरो एस्पिरेशन किया जाता है? पोस्टीरियर, पोस्टीरियर सुपीरियर, पोस्टीरियर सुपीरियर इलेक क्रस्ट, याद रखना बच्चे, पोस्टीरियर सुपीरियर इलेक क्रस्ट से बोन मैरो एस्पिरेशन किया जाता है। पूछता है वो एग्जाम से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोन मैरो एस्पिरेशन, बोन मैरो एस्पिरेशन इन अडल्ट, अडल्ट में कहाँ से किया जाता है? पोस्टीरियर सुपीरियर इलेक क्रस्ट, और बच्चे चिल्ड्रन में किया जाता है टीबिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैटगट सूचर, कैटगट सूचर, कैटगट सूचर याद रखना बच्चों, नेचुरल एब्जॉर्बल, एब्जॉर्बेबल सूचर होता है, नेचुरल एब्जॉर्बेबल सूचर होता है कैटगट सूचर। नेक्स्ट है मेजरिंग लेंथ ऑफ गुडल एयरवे, गुडल एयरवे, आप गुडल एयरवे का डायग्राम भी देखिएगा, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। इस तरीके से मान लो ये चेहरा है, तो यहाँ पर बच्चों कैसे मेजर किया जाता है? फर्स्ट इंसीजर, फर्स्ट इंसीजर से लेके, बिटवीन फर्स्ट इंसीजर से लेके एंगल ऑफ द मैंडिबल, एंगल ऑफ द मैंडिबल, एंगल ऑफ मैंडिबल, मेजरिंग लेंथ ऑफ गुडल एयरवे को कैसे मेजर किया जाता है बच्चे? यहाँ से फर्स्ट इंसीजर से लेके एंगल ऑफ मैंडिबल, जहाँ पर एंगल ऑफ मैंडिबल होता है वहाँ तक मेजर किया जाता है गुडल एयरवे की लेंथ को। ठीक है, फर्स्ट इंसीजर टू एंगल ऑफ मैंडिबल। एयर एम्बोलिज्म में कौन सी पोजीशन दी जाती है? टर्न पेशेंट, टर्न पेशेंट बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी किसी पेशेंट को अचानक से एयर एम्बोलिज्म हो, टर्न करे पेशेंट को टू लेफ्ट लेटरल टेक्यूबिटस पोजीशन, लेफ्ट लेटरल टेक्यूबिटस पोजीशन। अगर किसी भी पेशेंट को क्या देखने को मिल रहा है, किसी भी पेशेंट में एयर एम्बोलिज्म देखने को मिलता है, तो हम पेशेंट को लेफ्ट साइड टर्न करते हैं, उसका हेड डाउन करते हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड टर्न करके हेड को डाउन करते हैं, लेफ्ट साइड, लेफ्ट लेटरल डेक्यूबिटस पोजीशन। नेक्स्ट है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए कौन सा कैनुला यूज़ किया जाता है? 16 से 18 गॉज का, और 16 से 20 गॉज का आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से पूछा जाता है, आप बताएंगे 18 गॉज का जो कैनुला होता है वो स्पेसिफिकली ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए यूज़ किया जाता है, याद रखना 18 गॉज ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए 18 गेज का कैनुला यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है कोल्ड स्पंजिंग के लिए कौन सा टेम्परेचर, कोल्ड स्पंजिंग का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? 70 डिग्री फ़ारेनहाइट, कोल्ड स्पंजिंग का टेम्परेचर 70 डिग्री फ़ारेनहाइट। लंबार पंचर कहाँ पर करते हैं बच्चे? लंबार पंचर आप करोगे L3 से L4, लंबार पंचर कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है? L3 से L4 के बीच में। कोल्ड कैलोरिक टेस्ट किस लिए किया जाता है? टू असेस द फंक्शन ऑफ, टू असेस, कोल्ड कैलोरिक टेस्ट क्यों किया जाता है? टू असेस द फंक्शन ऑफ, किस चीज़ का फंक्शन देखने के लिए? टू असेस द फंक्शन ऑफ ब्रेन स्टेम, टू असेस द फंक्शन ऑफ ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम का फंक्शन देखने के लिए क्या किया जाता है? कोल्ड कैलोरिक टेस्ट किस लिए किया जाता है? टू असेस द फंक्शन ऑफ ब्रेन स्टेम। अगला है माउथ केयर सॉल्यूशन, माउथ केयर सॉल्यूशन में आप क्या यूज़ करते हैं? KMnO4, KMnO4 1:5000, माउथ केयर सॉल्यूशन में आप यूज़ करते हो KMnO4 1:5000, या फिर सोडियम क्लोराइड भी आप यूज़ कर सकते हो, या फिर आप यूज़ कर सकते हो KMnO4 इन 1:5000 सॉल्यूशन। नेक्स्ट है व्हाइल वेयरिंग ग्लव्स, ग्लव्स पहनते समय फर्स्ट ग्लव नीड टू बी वॉर्न इन, पहला ग्लव कौन से हाथ में पहनोगे? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगर आप ग्लव्स पहन रहे हो तो पहला जो ग्लव्स है वो आप कौन से हैंड में पहनोगे? आंसर है डोमिनेंट हैंड, डोमिनेंट हैंड। पहला ग्लव्स पहनते समय पहला जो ग्लव्स पहनना है वो डोमिनेंट हैंड में पहनना है। ठीक है,
बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है बेड सोर को आप क्लीन करते हो, जब भी मैंने आपको बताया बेड सोर होता है आप क्लीन करते हो उसको आउटर टू इनर, आउटर टू इनर, आउटर टू इनर। चलिए 132 तक अब हम सॉल्व कर चुके हैं। प्लीज़ बच्चों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स करना मत भूलिए।